अब हम निकल गए हैं गिर फॉरेस्ट जाने के लिए। तो उससे पहले हम लोग को भूख लगी थी, तो हमने सोचा थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। और सोमनाथ में काफ़ी सारे ट्रस्ट के थ्रू भोजनालय चलते हैं, जैसे ये था श्री लीलावती डाइनिंग हॉल। यहाँ पे खाना आपको बहुत ही अच्छा, टेस्टी और रेट भी कम में मिल जाता है। यहाँ पे 70 रुपये प्लेट मिलता है अनलिमिटेड खाना। तो हमने सुबह का नाश्ता किया था। आप इसमें 3 टाइमिंग दिए रहते हैं, सुबह नाश्ता कर सकते हैं, दोपहर का खाना और रात का खाना। 70 रुपये 60 रुपये प्लेट होता है, अनलिमिटेड खाना होता है, खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो आप चाहे तो यहाँ भी खा सकते हैं खाना। और फिर हम लोग फिर निकल गए गिर फॉरेस्ट जाने के लिए। ये गिर फॉरेस्ट का रास्ता है, काफ़ी वहाँ से दूर है, कम से कम 1 घंटा तो जाने के लिए लग जाता है टेम्पल से, सोमनाथ टेम्पल से 1-1.25 घंटा जाने के लिए गिर फॉरेस्ट लगता है। अभी हम लोग रास्ते में हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, तब तक आप देखते रहिए। तब तक आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, इसमें फॉरेस्ट में आपको देखने मिलेगा कि हमने क्या क्या जानवर देखे। तो आप वीडियो पूरा देखिए, बीच में ही कट मत करिएगा, अगर आपको जानना है कि फॉरेस्ट में हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, ताकि आप लोग को भी जाना हो तो फॉरेस्ट जा सकते हैं। क्योंकि गिर का जंगल बहुत ही फेमस जगह है, काफ़ी लोगों ने सुने होंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ रखे गए हैं, दुनिया भर के सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पर ही है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं गिर फॉरेस्ट। यहाँ सब लाइन लगी है, यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग होता है, एक मॉर्निंग का टाइम होता है। हम लोग शाम के टाइम गए थे 4 बजे वाले में, तो हम लोग वही दोपहर में ही पहुँच गए थे, इसलिए वेट कर रहे थे कि हम लोग का 4 बजे का जो टाइम है। तो ये लोग पूरा 2 घंटा पूरा फॉरेस्ट घुमाते हैं, काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है, तो 2 घंटा लग ही जाता है पूरा घूमते हुए। फिर हम लोग थोड़ा वहीं पे शॉपिंग कर लिए, वहाँ पे टी शर्ट, सब एनिमल के फेस वाले टी शर्ट और काफ़ी से फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें मिलती है, तो वहाँ से हम लोगों ने थोड़े टी शर्ट भी ले लिए। और फिर हम लोग का टाइमिंग हो गया, तो हम लोग अब जीप में बैठ गए, सब लोग जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो अब हम निकलेंगे, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे कि हमको बाघ देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और काफ़ी धूप भी थी, और हम लोग सब निकल गए फॉरेस्ट के अंदर। हम लोगों ने एंट्री कर ली है, और आप देख सकते हैं अभी गर्मी का टाइम है, क्योंकि हम लोग अप्रैल में गए थे तो काफ़ी गर्मी है, तो उसकी वजह से वहाँ पर सारे जंगल थोड़े सूखे टाइप के थे, इतना हरा भरा नहीं दिख रहा था। अगर आपको हरा भरा देखना तो थोड़ा बारिश के टाइम या ठंडी के टाइम जाएंगे तो ज़्यादा हरा भरा दिखेगा। तो वहाँ पे कलर की वजह से जानवर भी उसी कलर के मैचिंग थे, तो पता ही नहीं चल रहा था। तो आप देख सकते हैं आगे हमको कौन से जानवर देखने मिल रहे हैं, यहाँ पे देखते रहिए आप लोग भी। देखिए हम लोग को फर्स्ट वहाँ पे हिरन देखने मिला, वहाँ पे काफ़ी सारे हिरन थे, हर जगह जाकर हम लोग को हिरन दिखाई दिए। फिर ये दूसरा वाला हिरन दिखाई दिया, जो हिरन से भी बड़े होते हैं वो हमने देखे। और फिर हम लोग देख रहे थे और क्या क्या देखने मिलते हैं। हमने वहाँ मोर देखे, ये मोर नहीं है, मोरनी है जो बैठी हुई थी वहाँ, काफ़ी सारी मोरनियाँ भी थी। फिर हम लोग अंदर ही जंगल में जाते रहे, और वहाँ पे काफ़ी सारे झरने नदियाँ हैं जहाँ पे सारे जानवर लोग पानी पीते हैं, नदियाँ झील है वहाँ पर। अभी गर्मी का टाइम था, थोड़ा कम पानी दिख रहा था वहाँ पे, क्योंकि हर जगह है ताकि जानवर वहाँ पे पानी पी सके। तो यहाँ पर भी था लेकिन थोड़ा कम पानी दिख रहा था। अब हम यहाँ से पूरा घूमने के लिए निकले हैं, देखिए आगे देखते रहिए, आप लोग को भी सब देखने मिलेगा, हमने क्या क्या देखा वो आप सब भी देख सकते हैं। तो इसलिए आप देखिए और इन्जॉय करिए, तब इन्जॉय करिए ये वीडियो। अब हम लेक की तरफ आ गए हैं, ये बहुत ही बड़ा लेक है, और इस पर बता रहे थे कि काफ़ी सारे मगरमच्छ हैं और सारे बाघ शेर जो है यहाँ सब पानी पीने के लिए आते रहते हैं, और इसमें सारी काफ़ी सारी मछलियाँ भी है। तो ये जगह भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो देखिए आप ये कितना बड़ा झील है।
शिवी को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था वहाँ पे। बस यही था, काफ़ी धूप थी, काफ़ी धूप और गर्मी था, लेकिन वो थोड़ा फॉरेस्ट था तो थोड़ा ठीक लग रहा था। अब यहाँ पे ये देखिए, हम इतने लोग गए हुए थे घूमने के लिए, सब लोग इंजॉय कर रहे थे जीप में बैठ के। और वहाँ पर एक व्यू पॉइंट पे उसने रोका हुआ था गाड़ी, ये व्यू पॉइंट है, ऊपर जाना पड़ता है और यहाँ से आप पूरे जंगल का व्यू ले सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। इसके बाद हम आगे गए, हमको मोर दिखाई दिया, काफी सुंदर सा मोर था। और भी हम देख रहे थे क्या देखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा। देखिए ये मोर कितना सुंदर सा है। आप लोग को भी जाना है तो जाइए, पर गर्मी में मत जाइए, जब थोड़ा ठंडा मौसम हो, सर्दी का मौसम या थोड़ा बारिश का मौसम तभी जाइए। यहाँ देखिए एक हिरन है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो काफ़ी सारे हिरन देखे, मोर देखे हम लोगों ने। ये पूरा फॉरेस्ट घूमने के लिए कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है। हम 4 बजे से घूम रहे थे, पूरा 6 बज गया था हमको घूमते घूमते। तो बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है और एक जीप में आपको ले जाता है। अब हम आगे गए, फिर हम लोग को आगे हिरन दिखाई दिए। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर से हिरन है। और ये फॉरेस्ट में अगर आपको जाना है तो गवर्नमेंट वाली वेबसाइट से ही अगर आप बुक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें 3000 समथिंग है इसका पर पर्सन। और प्राइवेट वेबसाइट से करेंगे तो आपका 5000 समथिंग लगता है, इसलिए आप हो सके तो गवर्नमेंट वेबसाइट से ही गिर फॉरेस्ट का टिकट बुक करिए। हम लोग काफ़ी देर तक घूम रहे थे और ये देखिए फाइनली हमको एक चीता देखने मिला। मैंने रिकॉर्ड किया, तब तक वो थोड़ा हल्का भी साउंड पड़ता है तो लोग भाग जाते हैं। और हम लोग का हो गया, हम लोग के नसीब में शायद से बाघ देखना नहीं था तो हम लोग नहीं देख पाए, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं वहाँ बाघ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। वहाँ पर जब घूमने अंदर जाते हैं फॉरेस्ट में तो रोड पर ही बाघ बैठे हुए रहते हैं, लेकिन वो लोग कुछ करते नहीं, क्योंकि देख सकते हैं वो पूरा ओपन है, ओपन में वो लेके जाता है लेकिन बाघ कुछ करता नहीं अगर सामने से भी गुजरता है तो। पर हम लोग के शायद नसीब में नहीं था देखने, इसलिए हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल पाया। आप लोग को जाना है तो ऐसे टाइमिंग देख के जाइए जब थोड़े बाघ दिखते हो, जैसे मॉर्निंग का टाइम हुआ, मॉर्निंग में काफ़ी लोग कहते हैं कि देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप मॉर्निंग वाले में जा सकते हैं। अगर ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको कैसा लगा ये गिर का फॉरेस्ट, अच्छा लगा हो तो आप लोग भी जाइए। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, ये हमारा लास्ट था, अब हम यहाँ हम लोग का घूमने का लास्ट था सोमनाथ में। अब यहाँ से हम निकलेंगे और स्टेशन जाएंगे, तो आप लोग सोमनाथ का स्टेशन भी देख लीजिए कैसा है। तो यहाँ हम स्टेशन पहुँच गए हैं, अब हम लोग सोमनाथ से बड़ोड़ा जा रहे हैं। ये सोमनाथ स्टेशन है और स्टेशन की एक ख़ास बात है जो मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को। ये जो स्टेशन है वो एंड है स्टेशन का, यहाँ से आगे कोई भी ट्रेन नहीं जा सकती। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एंड है। मैंने ऐसा एंडिंग 2 जगह देखा, एक कन्याकुमारी में देखा था एंडिंग, जो वहाँ से आगे ज़्यादा ट्रेन जाती नहीं है कोई भी, और एक सोमनाथ में मेरा ये दूसरा है जो मैंने देखा, यहाँ पर एंड है, यहाँ से आगे कोई भी ट्रेन नहीं जाती है। तो ये है यहाँ की ख़ास बात। तो ये है सोमनाथ रेलवे स्टेशन। तो आपको ये स्टेशन कैसा लगा ये देख लीजिए, सोमनाथ रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ से हम लोग बड़ोड़ा जा रहे हैं। और ये अब हम पहुंच गए हैं बड़ोड़ा रेलवे स्टेशन। ये बड़ोड़ा में 2 रेलवे स्टेशन है, ये न्यू बना हुआ है, ये है छायापुरी रेलवे स्टेशन। देख
देख सकते हैं ये कैसा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, होप अच्छा लगा हो। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।